नमस्कार साथियों, आप लोगों ने कमेंट किया था कि इसका हमिंग, इस बोर्ड का हमिंग के बारे में बताएं। TDA 2030 का जो बोर्ड है, इसका जो वीडियो बनाए थे, तो आप लोगों का कमेंट आया था कि इसका हमिंग का प्रॉब्लम के बारे में बताएं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, इस बोर्ड में आप अगर सबसे पहले जो प्रॉब्लम ये ट्रांसफार्मर का, इस बोर्ड के लिए SMPS पावर सप्लाई हो तो बहुत बढ़िया। SMPS पावर सप्लाई में हमिंग ना के बराबर हो जाता है, तो SMPS का पावर सप्लाई का आप हो सके तो इस्तेमाल करें तो बढ़िया। लेकिन यहाँ पर देखिए, डायोड लगाया गया, तो यहाँ पे आप SMPS पावर सप्लाई को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना होगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये ट्रांसफार्मर जो इस्तेमाल करें, तो आप एक देख ले कि यहाँ पे तीन एम्पेयर, चार एम्पेयर जो भी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा चार एम्पेयर का, तो आपको इस ध्यान रखना होगा कि चार एम्पेयर का ये ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे चार एम्पेयर का डायोड भी लगा हुआ चाहिए। 54 वाट जो है 3 से 4 एम्पेयर में काम करता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे जो दो कैपेसिटर देख रहे हैं बड़े बड़े, ये 3025 वोल्ट में कैपेसिटर जो यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप चेक कर लें इसका वोल्टेज को कि दोनों में सेम वोल्टेज आ रही कि नहीं। इनका नेगेटिव पॉजिटिव आप मल्टीमीटर में DC वोल्टेज चेक करेंगे तो दोनों में सेम वोल्टेज आएगा, जो वोल्टेज इसका अंदर ही होगा। तो आप नहीं आ रहा तो आप बदल लें। यहाँ पे देखिए 3300 माइक्रोफेरेड है, तो 4000 माइक्रोफेरेड यहाँ पे 25 लिखा है, तो 35 वोल्टेज का कैपेसिटर आप इस्तेमाल कर लीजिए, तो जिससे जो हमिंग का प्रॉब्लम है लगभग यहाँ तक बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा जो हमिंग का प्रॉब्लम जो है इसी लाइन के साथ, DC के लाइन के साथ हमिंग का प्रॉब्लम देखिएगा कि छोटा छोटा कैपेसिटर जो है लगे हुए रहते हैं, तो बहुत बार ये भी कैपेसिटर है तो ख़राब हो जाते हैं। तो आप चेक कर लें ये कैपेसिटर, या फिर ये कैपेसिटर को आप बदल लें तो हमिंग का प्रॉब्लम भी जो है बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ये भी एक कारण है। उसके अलावा देखिएगा, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, जो यहाँ से जो रजिस्टर से लाइन इस 7805 को दिया जाता है ब्लूटूथ को कनेक्ट करके बजाने के लिए, तो उसी का 3 नंबर के साथ, ग्राउंड के साथ एक कैपेसिटर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो इस कैपेसिटर को अभी आप चेक कर लें कि ये कैपेसिटर सही है कि नहीं। तो यहाँ पर कैपेसिटर का आप वैल्यू देखिएगा, तो ये 100 UF 25 वोल्ट में, तो 25 वोल्ट में 100 UF कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चल जाएगा। तो अच्छा क्वालिटी का कैपेसिटर यहाँ पे लगा ले। यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो DC वोल्टेज जाता है तो ये पूरी तरीके से DC में बदलता नहीं है, जिसके वजह से ब्लूटूथ में इसका लाइन जाके हमिंग का प्रॉब्लम बढ़ाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसका 3 नंबर से ग्राउंड के साथ एक कैपेसिटर लगा है, तो हमें क्या करना है, इसका इनपुट ये ग्राउंड के साथ भी एक कैपेसिटर का सेम वैल्यू का इस्तेमाल कर लेना है, जिससे कि हमिंग का प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक यहाँ पर भी कम हो जाएगा। उसके अलावा देखिएगा कि इस तरह का वॉल्यूम की होता है, ये देखिएगा इस तरह का वॉल्यूम की जो है यहाँ पे साउंड के लिए, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल ना करें बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही लोकल होता है, बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो अभी हमिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ पे ये डबल चैनल वाला जो पोटेंशियोमीटर है, डबल चैनल का, तो ये पोटेंशियोमीटर जो डबल चैनल के यहाँ पे लगता है, तो आप ध्यान दें कि ये वाला भी इसके लिए नहीं है, लेकिन इसको लगाने से बच जाएगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखिएगा, अल्मुनिया का बना होता है, ये गोल होता है, ये चेप्टा है लेकिन वो गोल होता है, तो गोल वाला ही ले, गोल वाला ही लेके आप यहाँ पे लगाएं, ये भी एक हमिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा देखिएगा कि ये जो ब्लूटूथ है, इतना सारा ब्लूटूथ देख रहे हैं, लोकल क्वालिटी का है, तो इस ब्लूटूथ के पास भी देखिएगा कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। आप देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा, यहाँ पे इसमें हर बोर्ड में आप देखिएगा कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। तो आपको बढ़िया क्वालिटी का जो है, अच्छा क्वालिटी का ब्लूटूथ आपको लेना होगा, लेके वहाँ पे जो कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को बदल के यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का कैपेसिटर लगाए, जिससे कि ये अच्छा से काम करे, हमिंग का प्रॉब्लम जो है ये कैपेसिटर अपने अंदर ले ले और बोर्ड के अंदर ना जाने दे। यहाँ पे देख रहे ये जो ये वाला जो बोर्ड है, थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी के है, तो आप ध्यान रखें ऐसा ही बोर्ड ले जिसमें एक वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए एक यहाँ पे लगा हुआ है मॉस्फेट या फिर ट्रांजिस्टर जो भी है लगा हुआ इसमें, तो अच्छा क्वालिटी का ले ब्लूटूथ, इसमें भी कर ले। इसके अलावा जो पावर सप्लाई का देखिएगा, ये इस तरह का ये होता है, तो ये 3 पिन वाला ले। 3 पिन वाला लेने के बाद एक ठो इसका जो अर्थिंग होता है, तो अर्थिंग वाला को भी आप जो है कनेक्ट कर दें, कनेक्ट करके लगा दें। तो बहुत सारा हमिंग का प्रॉब्लम जो है दोस्तों इस तरीका से हो जाता है, तो आपको ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, रख के इस बोर्ड में आपको काम करना होगा। आप इस बोर्ड को देखिए, देख के आपको ध्यान में आपको चेक करना होगा कि कोई पार्ट्स यहाँ पे ख़राब तो नहीं है। ख़राब होने से भी होता है कि हमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभार जो है कोई कहीं पर सोल्डरिंग करते करते ग्राउंड कहीं के साथ टच हो जाता है, तो वहाँ पर भी जो है हमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है।
तो इसी हिसाब से आपके यहाँ पे जो TDM 2030 का IC जो है, आप जब बोर्ड ले तो आप देख ले कि ओरिजिनल क्वालिटी का जो IC है यहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये बोर्ड ऑलरेडी IC अगर डुप्लीकेट होगा तो हमिंग का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा करेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा ऐसा IC है जो डुप्लीकेट है, जिसको लगा के बोर्ड बना के दे दिया जाता है, और जब हम बजाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हमिंग का प्रॉब्लम आता है। तो ये सारा कारण है इसका हमिंग का दोस्तों। तो ये सब जो आपको बताए हमिंग के लिए, तो इस सब चीज़ को आप ध्यान में रखें, रख के आप जो है काम करें तो हमिंग का प्रॉब्लम है लगभग ना के बराबर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपका हमिंग का प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होता है तो आपको DC ऑफसेट के बारे में आपको बताना होगा। DC ऑफसेट के बारे में, जो रजिस्टर में जो बड़ा बड़ा एम्पलीफायर होता है उसमें DC ऑफसेट का सेटिंग होता है, बीटा वैल्यू का, रजिस्टर का अलग अलग जो है वैल्यू होता है, वो सबको मेंटेन करने के लिए एक प्रीसेट लगाया जाता है। तो इसमें भी इस बोर्ड में कहीं पर लगाया जा सकता है IC को जो बीटा वैल्यू या फिर उसका जो एक गेन वैल्यू होता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो अगला वीडियो में कोशिश करेंगे कि उस तरीके से आपको प्री सेट लगा के, 220 प्री सेट लगा के आपको दिखाए, जिससे कि हमिंग का प्रॉब्लम लगभग ख़त्म हो जाए। फिलहाल जो है कि दोस्तों हमिंग के लिए जो प्रॉब्लम है आपको जो बताए, तो ज़्यादातर कैपेसिटर है यहाँ पे जो लगा हो 7805, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि जो इसका आउट जो वोल्टेज होता है पूरी तरीके से DC में नहीं होता है, तो वहाँ पर भी एक डायड लगा ले, 4007 डायड यहाँ पर लगा ले। लगाने के बाद वो लाइन जो है आप ब्लूटूथ किट में दे, जिससे कि आपका जो हमिंग का जो प्रॉब्लम है तो वो पूरी तरीके से यहाँ पे 4007 उसको DC में कन्वर्ट कर देगा। एक कैपेसिटर जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक कैपेसिटर यहाँ पर भी लगा दे, तो आपका हमिंग का प्रॉब्लम लगभग समाप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मेरे पास जो है दोस्तों संडे का दिन ही इसके बारे में काम करते, इस बोर्ड आउट के बारे में, तो आपका जो वीडियो है मेरा सप्ताह में सिर्फ एक ही वीडियो आपको दे सकते हैं। आप लोगों का जो इतना सारा सपोर्ट करें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के वीडियो में बस इतना ही।